जीआरपी थाना प्रभारी शामली की गुंडागर्दी चरम पर, बेवजह पत्रकार की करी पिटाई। शामली में एक पत्रकार को जीआरपी पुलिस के खिलाफ रेलवे में अवैध वेंडरिंग की खबर चलाना उस समय भारी पड़ गया जब पत्रकार को देर शाम शामली में रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के डिब्बे के पटरी से उतर जाने की खबर कवरेज करने के दौरान जीआरपी थाना प्रभारी राकेश कुमार और उनकी टीम ने पत्रकार की पिटाई कर दी। पिटाई की ये वीडियो वहां मौजूद अन्य पत्रकारों के कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, जीआरपी थाना प्रभारी ने पीड़ित पत्रकार का मोबाइल छीनकर उसे हवालात में बंद कर दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे अपराध संवाददाता पवन त्रिपाठी के साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां अपराध रोकने के बड़े बड़े दावे पेश करती है, वहीं धरातल पर आते आते यही दावे कहीं न कहीं खोखले नजर आते हैं, कहीं न कहीं धराशायी नजर आते हैं। जी हां, हम आपको बात बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिले शामली की, जहां पर News 24 के पत्रकार अमित कुमार, जी हां News 24 के पत्रकार अमित कुमार मालगाड़ी के कुछ पहिए पटरी से उतर जाने की कवरेज करने के लिए वहां पहुंचे थे, मगर वहां पर पहले से ही मौजूद जीआरपी के थाना प्रभारी राकेश कुमार ने उन्हें देखते ही बद्दी बद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। पत्रकार अमित कुमार के द्वारा जब इन सभी चीज़ों का विरोध किया गया तो थाना प्रभारी महोदय के द्वारा अमित कुमार जी, जो पत्रकार हैं अमित कुमार, की पिटाई कर दी गई, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। उस पिटाई की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। पद और वर्दी के गुरूर में अंधे हो चुके जीआरपी के थाना प्रभारी राकेश कुमार इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने पत्रकार का कैमरा, मोबाइल कैमरा छीन लिया और पत्रकार अमित कुमार को हवालात में बंद कर दिया, जहां पर फिर से एक बार उनकी पिटाई करी गई और उनके मुंह पर पेशाब करने जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। आपको बताते चलें कि रेलवे में अवैध वेंडरिंग की घटना को लेके, अवैध वेंडरिंग को लेके अमित शर्मा ने एक खबर चलाई थी, जिसकी वजह से ये थाना प्रभारी महोदय, जिनका नाम कि राकेश कुमार है, जी हाँ यही थाना प्रभारी महोदय अमित कुमार से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद थाना प्रभारी महोदय का निलंबन कर दिया गया, मगर हम प्रशासन के आला अधिकारियों से ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि ये समाज के रक्षक जो भक्षक का रूप धारण किए हुए बैठे हुए हैं, क्या निलंबन की सजा इनके लिए काफी है? कैमरामैन अतुल अग्रवाल के साथ पवन त्रिपाठी, Live 24 न्यूज, लखनऊ। यार मार क्यों रहा? ओए एक बात तो बता, सुने हो भाई, आपका अमित जी क्या बात हुई आपके साथ? ये शामली से, सॉरी दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली मालगाड़ी जो थी वो शामली में पटरी से उतर गए थे उसके 3 डब्बे। तो जब हम लोगों के पास सूचना मिली तो हम लोग कवरेज के दौरान वहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि हम लोगों के पास कवरेज करने का अधिकार है, हम लोग चैनल से जुड़े हुए हैं। तो वहीं मौजूद जब हम कवरेज कर रहे थे, कवरेज के सारे शॉट्स भी मेरे मोबाइल के अंदर थे, तो वहीं कवरेज करने के दौरान SO जीआरपी थे, उनके साथ जो ऑन ड्यूटी वहाँ जिनकी ड्यूटी थी वो भी सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो कवरेज करने के दौरान जब उन्होंने हमसे कहा कि अपना आई कार्ड गले में डाल के घूमा करो, वो सारी बात की रिकॉर्ड भी हुई है। हमारे पत्रकार साथी ने भी बोला कि सर बीड़े के मैं आप भी ड्रेस में नहीं है तो आप भी ड्रेस में घुमा करें, तो इसी बात पे वो बौखला गए। मैंने जैसे ही कैमरा अपने ऊपर किया फेस पे उनके, तो उन्होंने मेरे मोबाइल पे बहुत ज़ोर से हाथ मारा। जो मेरा मोबाइल था, जो मैं कवरेज कर रहा था, वो काफ़ी दूर जाके गया। मैं मोबाइल उठा करके लाया वहीं वापस, यही पूछा था कि फ़ोन पर हाथ क्यों मारा। वहाँ पर जितने भी उनके कर्मचारी साथी मौजूद थे उन्होंने मेरे साथ बेनती, हाँ मेरे साथ मारपीट की है, और वहाँ से लेकर के इनका जो GRP का ऑफिस है वो लगभग 200 मीटर है, वहाँ तक मुझे पीटते हुए लाए हैं। अंदर थाने भी मेरे साथ लात घुसे, मतलब जो भी ये कर सकते थे वो सब कुछ इन्होंने किया। चोट कहाँ कहाँ लगी? चोट लगी है इस पर, गुम चोट भी है छाती में, ऊपर भी है, काफ़ी चोटें हैं। फिर क्या हुआ? उस दौरान जो मैं मोबाइल उठा करके लाया था कवरेज का, मारपीट करने के बाद वो मुझे थाने में लेकर आए, तो मेरा एक मोबाइल था जिसके अंदर सारी कवरेज थी, वो इन्होंने मेरे से लूट लिया है। उसका कहीं नहीं पता है, मोबाइल मिला जा रहा था, स्विच ऑफ बताया जा रहा है। मारपीट करने के बाद उन्होंने मुझे कस्टडी के अंदर, जेल के अंदर डाल दिया। काफ़ी देर डालने के बाद जब पत्रकार कुछ साथी आई, उनके हंगामे के बाद, उनके कहने सुनने के बाद, उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठाया।
इंस्पेक्टर मुर्दाबाद, जीआरपी इंस्पेक्टर मुर्दाबाद, जीआरपी इंस्पेक्टर मुर्दाबाद, चोर है भाई चोर है, जीआरपी चोर है, चोर है भाई चोर है, जीआरपी चोर है, जीआरपी थाना मुर्दाबाद, जीआरपी थाना मुर्दाबाद, इनकी मनमानी नहीं चलेगी, इनकी मनमानी नहीं चलेगी, इनकी मनमानी नहीं चलेगी, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा माल गाड़ी के तीन डब्बे पटरी से उतर के मैं उनकी खबर बना रहा था। इन्होंने मेरे कैमरे पे हाथ मारा, उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मैंने नासिक में फीस की जो बैंट्री का काम करता उसकी खबर चलाई थी, उससे चले भुने हुए हैं। देखो मेरे चोट के निशान भी है, इन्होंने मारा है नहीं जबरदस्ती, इन्होंने माँ बांध की गाड़ी 1000 दी, मैंने इन्हें कोई गाड़ी नहीं दी। और क्या करा आपके साथ? जिस दिन इतना गलत नहीं हमने इंस्पेक्टर साहब होता है भाई साहब, इतनी गलत बात नहीं देखी। पहले फोन पे आके इन्होंने मारा, हमारे बहन की रिकॉर्डिंग इनके फोन की वीडियो है, हाथ मारा फोन पे वीडियो है हमारे पास कवरेज करने के दौरान, और मारपीट की वीडियो है सारी। सबको जेल भेज दो, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और क्या। फोन तो भाई फोन के पास माँ बांध की गाड़ी उन्होंने दी, मुझे सभ्यता सिखा रहा है इंस्पेक्टर भाई। एक मिनट करने के बाद एक मेन फोन है इनका, खबर सारी की डिलीट करो ऐसा बोल रहे हैं। मेरे News24 चैनल का इनपुट उसके अंदर है, जो रिसेट हो गया फोन जवाब ये देंगे चैनल को। भाई इसका बड़ा फोन कहाँ है? और ये फोन और था फोन है? एक फोन था भाई इसका, बड़ा फोन इन्होंने लिया है अभी। कप्तान साहब कहाँ हैं? कप्तान साहब लखनऊ गए हैं, मीटिंग है ना कल डीएम मंत्री मीटिंग है। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे Alive 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।